करनाल में हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच के एएसआई संजीव कुमार को अंतिम विदाई दी गई। कुटेल गांव में शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बेटे ने नम आंखों से अपने पिता को मुखाग्नि दी और इस दौरान करनाल का कुटेल गांव अमर रहे संजीव के नारों से गूंज उठा। बता दें कि स्टेट क्राइम ब्रांच के एएसआई संजीव कुमार की बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर गोली मार करके हत्या कर दी थी। संस्कार आज कर दिया गया। उनका जो बेटा था संजीव जी का, वो आज ही कनाडा से सुबह के टाइम आया था और आज संस्कार कर दिए। हमारी 4-5 टीम में इसमें लगी है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम इसमें अपने सफलता हासिल कर लेंगे। पता चल पाया सर कुछ अभी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम उसमें काम कर रहे हैं, अच्छा करके दिखाएंगे। अभी कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई। इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है जब मतलब मुलाजिम भी सुरक्षित नहीं है और अब तक कोई इसका सुराग नहीं मिला, तो मैं तो कहूँगा इससे बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती और जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और अब तक तो पकड़ा जाना चाहिए था। देखो मतलब घर में आके एक गोली मारना मतलब कितनी बड़े हमारे दुर्भाग्य की बात है। मैं तो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ।